वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस देख की सर कसम मोहम्मद शमी का दीवाना हो रही। तो चलो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ थागले मोहम्मद शमी का करियर के बारे में। सबसे पहले बात कर तौसीफ अली के बारे में। तौसीफ अली को बचपन से ही फास्ट बॉलिंग करना को सपना हो, लेकिन तौसीफ अली को जन्म छोटे परिवार में हो रहे हो और तौसीफ अली किसानों काम करते हो, इसलिए वो आपको सपनों पूरे कुंज कर सके हो। लेकिन तौसीफ अली का 5 बेटा है, उन 5 बेटा में से एक बेटो मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को जन्म 3 सितम्बर 1990 में हुए हो। तो तौसीफ अली आपको अधूरा सपनों आपके बेटे से पूरा कराना चाहो। और तौसीफ अली मोहम्मद शमी का करियर पर बहुत ही मेहनत करी। सबसे पहले मोहम्मद शमी ने एक अच्छे कोच से कोचिंग दिलवाई और मोहम्मद शमी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हो, लेकिन मोहम्मद शमी को सिलेक्शन कुनी उसके हो। तो मोहम्मद शमी का पिताजी मोहम्मद शमी ने कोलकाता लेके गया और कोलकाता में जाने के बाद में मोहम्मद शमी को सिलेक्शन रणजी टीम में हो गो। तो मोहम्मद शमी ने आपका करियर बनाने में बहुत सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ो, लेकिन बिक बाद में भी मोहम्मद शमी की गाड़ी पटरी पर आ चुकी और मोहम्मद शमी आईपीएल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करवा लागो। मोहम्मद शमी का अगर इंटरनेशनल डेब्यू की बात करें तो मोहम्मद शमी सबसे पहले ओडीए में 6 जनवरी 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच खेलो। और अगर बात करें मोहम्मद शमी के टेस्ट मैच के बारे में तो मोहम्मद शमी टेस्ट मैच 6 नवंबर 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलो और 2013 के बाद में अगले साल ही मोहम्मद शमी ने T20 में डेब्यू कर लियो। यानी कि 21 मार्च 2014 में मोहम्मद शमी पाकिस्तान के खिलाफ आपको डेब्यू मैच खेलो। तो 2013 और 2014 में 2 साल में मोहम्मद शमी ओडी T20 और टेस्ट मैच में डेब्यू कर लियो और मोहम्मद शमी की जिंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही। लेकिन 2011 में आईपीएल मैच के दौरान मोहम्मद शमी की मुलाकात हसीन जहां से हुई। हसीन जहां 2011 में कोलकाता टीम की चीयर लीडर रही और मोहम्मद शमी भी 2011 में आईपीएल खेलते, तो इस बीच में मोहम्मद शमी और हसीन जहां की मुलाकात हुई और बैठे से आज उन्हें की लव स्टोरी शुरू होगी। लेकिन हसीन जहां पहले से शादीशुदा ही और हसीन जहां जब मोहम्मद शमी का लाइफ में आई तो उस टाइम पर हसीन जहां का 2 बेटी भी। लेकिन बिकर बाद में भी मोहम्मद शमी 2 साल तक आपका रिलेशन रखियो और 2014 में मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने शादी कर ली। लेकिन यह शादी कुछ ज्यादा साल कौन चाल की मात्र 4 साल यह शादी चली और 2018 में हसीन जहां मोहम्मद शमी के ऊपर बहुत सारा आरोप लगा दिया। हसीन जहां मोहम्मद शमी पर मारपीट और घरेलू हिंसा के अलावा मैच फिनिशिंग का आरोप भी लगाया और उस टाइम पर सबने लाग रही कि लगभग मोहम्मद शमी को करियर खत्म हो गो, क्योंकि हसीन जहां कोर्ट में केस कर दियो मोहम्मद शमी के खिलाफ और बहुत सा सबूत कोर्ट में पेश करा और हसीन जहां बाद में तलाक लेने के लिए मंथली 10 लाख को जुर्माना मांगियो। लेकिन बाद में मोहम्मद शमी के खिलाफ अपील करी और मोहम्मद शमी का अपील करने के बाद में अभी मोहम्मद शमी ने हर मंथ 1,30,000 को मासिक भत्तो देने पड़े, जिनमें से 50,000 रुपए हसीन जहां के लिए और 80,000 रुपए उनकी 2 बेटे के लिए मासिक भत्तो देने पड़े। तो मोहम्मद शमी के करियर में इतना बड़ा तूफान आने के बाद में भी मोहम्मद शमी आप करियर ने डगमगान कुन दियो और मोहम्मद शमी लगातार मेहनत करते रहियो और ये मेहनत को परिणाम थे देख रहे हो। 2019 में भी मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया खेले हो और अब 2023 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी ने पहले 4 मैच कौन खिलाया, लेकिन जब मोहम्मद शमी ने मौको मिले तो मोहम्मद शमी तहलको मचा दियो। मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट आपका नाम करा और बिक के बाद में बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट और श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट आपका नाम कर लिया और अब मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो मोहम्मद शमी को धन जीवन को संघर्ष आज मैं ही कहानी में बताया है। अगर थन वीडियो चोखो लगे हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करियो और वीडियो शेयर भी करियो।